हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज बना रही हूँ मैं मिक्स वेज। तो सारी सब्जियों को मैंने धो लिया है और बैंगन जो है ना, तो एक बैंगन था तो उसमें थोड़ा सा ख़राब निकल गया, तो उसको कट करके मैंने हटा लिया था। और सारी सब्जियों को धो लिया है और एक एक करके मैं ना सारी सब्जियों को काट लूँगी। तो बीन्स वगैरह को बिल्कुल छोटे छोटे काटूँगी। और आज मैं ये सब्जी ना कुकर में बना रही हूँ फ्रेंड्स। कढ़ाई में भी बना सकते हैं लेकिन आज मैं इसे कुकर में बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि आज मुझे ना खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि थोड़ी देर ना मैं छत पर धूप में बैठ गई थी। तो फिर उसके बाद अभी मैं किचन में आई हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी पहले सब्जियों को धो लिया है और उसके बाद ना इसको कट कर लूँगी। तो एक एक करके मैं सारी सब्जियों को कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो अभी ठंडे में ना अगर धूप में बैठ जाती हूँ तो फिर उठने का मन ही नहीं करता, लगता थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और, बस इसी में ना लेट हो जाता है। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया है, किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, उसके बाद ही गई थी धूप में। तो फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखिए गाजर जो है ना उसको भी छोटे छोटे काट रही हूँ। तो सब्जियों को छोटे छोटे ही काटूँगी, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। तो दो सीटी में ना ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और उसके साथ यहाँ पे है शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च को भी मैं बिल्कुल पतले पतले करके काटूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं शिमला मिर्च को कट कर रही हूँ। ऐसे ही करके सारी सब्जियों को कट कर लेंगे। तो अभी तो ठंडी का मौसम है तो सब्जियों की बहार है। अगर सब्जी मंडी जाओ तो हर तरफ बस सब्जी ही सब्जी, इतनी अच्छी लगती है कि मन करता है कि सारी सब्जियों को घर ले आए। तो फिर मतलब हरी हरी सब्जियां चारों तरफ, शिमला है, मटर है, ये सब देखकर तो दिल खुश हो जाता है फ्रेंड्स। तो आज इसी के लिए मैं ना मिक्स वेज बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियों को लेकर। तो यहाँ पे बैंगन को भी देखिए इस तरीके से मैं ना पतले पतले काट कर लूँगी। और उसके बाद मैंने शिमला मिर्च जो है ना एक टुकड़ा रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे टमाटर है, तो टमाटर जो है ना यहाँ पे आप देखते होंगे कि डेढ़ टमाटर है, मतलब कि सुबह में मैंने नाश्ते में जो सब्ज़ी बनाई थी ना उसमें टमाटर डाला था, आधा ही डाला था क्योंकि टमाटर बड़े थे तो आधा बच गया था। तो मतलब एक छोटे टमाटर और एक मतलब ये आधा, अगर दो छोटे छोटे अगर मतलब रहते तो दो छोटे छोटे डालती मैं। तो यहाँ पे टमाटर को भी कट करके रख लूँगी और हरी मिर्चों को जो मैंने धोकर रखा ना, तो उतनी सारी हरी मिर्च नहीं डालूँगी, दो तीन उसमें से हटा दिया था, मतलब चार पांच है। तो हरी मिर्च को भी मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो हरी मिर्च भी मेरा कट हो गया है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे पहले मटर को छील लेती हूँ एक एक करके। और अभी तो जो भी सब्ज़ी बनाओ तो उसमें मटर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि मतलब अभी मटर सस्ते भी आ रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ अभी ना 30 रुपये 25 रुपये केजी के हिसाब से चल रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले लाई थी, मतलब एक हफ्ता पहले, तो 40 रुपये केजी था। तो अभी है ना ये 25 रुपये केजी के मैं लाई हूँ। तो पहले मैं सारे मटर को छील लूँगी और साथ में आलू को भी छील कर कट कर लूँगी साथ में। तो इन दोनों को ना मैं एक ही साथ धो लूँगी। तो यहाँ पे देखिए आलू को भी मैं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े काटूँगी, मतलब एक आलू में ना 8 पीस के हिसाब से, क्योंकि सब्जी को भी मैं ना छोटे छोटे ही काटी थी तो इसी के लिए आलू को भी। तो देखिए इस तरीके से कट करेंगे और सबको फिर ना इसको धो लेंगे, आलू और मटर दोनों को एक साथ। तो पहले मैं धो कर आती हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए आलू मटर दोनों को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। और यहाँ पे लिया है एक प्याज, बड़ा सा प्याज है, और उसको भी मैं ना महीन महीन करके कट कर लूँगी। तो प्याज को पहले मैं कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्याज भी मेरा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों को मैंने इस तरीके से कट किया है। तो और भी सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं, गोभी, ब्रोकली वगैरह, तो गोभी मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था। तो अभी जो जो सब्ज़ी फ्रिज में बची हुई थी ना वही वही इसको मैं डाल कर मतलब बना रही हूँ उसकी, उसी की ही मिक्स वेज। तो यहाँ पे कुकर में डाला है ज़ीरा, तेल गर्म हो गया था तो ज़ीरा डाला। उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज, तो प्याज को फिर लाल कर लेंगे
और हरी मिर्च भी साथ में डाल दिया है। तो दोनों को लाल कर लेंगे। तो देखिए प्याज हो गया है लाल, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का गुलाबी, थोड़ा गुलाबी हो गया है। और उसमें डाल देंगे ना लहसुन का पेस्ट। तो लहसुन का पेस्ट डाल कर ना एक दो मिनट के लिए भून लेंगे लहसुन का पेस्ट को। और मैंने इसमें अदरक पेस्ट नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं। उसके बाद इसमें ना टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर डालकर मैं इसको मिला लूँगी। इसमें है ना टमाटर के साथ ही मैं इसमें ना नमक भी डाल दूँगी, और इसे टमाटर जल्दी गल भी जाएगा। तो मैं इसे चला लेती हूँ और ढक कर इसे टमाटर गलने तक पका लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे टमाटर घुल गया है। तो अब इसमें ना मैं मसाले डाल देती हूँ। तो इसमें डाला हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर डाला है, और है ना लाल मिर्च डाला है थोड़ा सा, क्योंकि हरी मिर्च ज़्यादा डाला था, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। तो उसके बाद इसको ना मैं अच्छी तरीके से फ्लेम को लो करके भून लेती हूँ ढक ढक कर। तो मसाले जब अच्छी तरीके से भून जाएंगे तब मैं इसमें सब्ज़ी डालूँगी। तो यहाँ पे मसाले अभी हमारे भून रहे हैं, तो इसको मैं ढक कर पहले भून लेती हूँ। तो मसाला भून गया है फ्रेंड्स। तो उसके बाद ना मैं इसमें सारी सब्ज़ियों को एक एक करके डाल देती हूँ। तो पहले मैंने आलू मटर ही डाला था, उसके बाद सारी सब्जियों को डाला था। उसके बाद इसको ना बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे उतनी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। अगर आप इसमें चाहें ना तो सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन तो सब्ज़ी मसाला डालने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरीके से भून लेती हूँ फ्रेंड्स। तो जब तक मेरी यहाँ पे सब्ज़ी भून रही है तब तक मैं धनिया पत्ते को भी काट लूँगी, क्योंकि धनिया पत्ते को मैंने काटा नहीं था। तो धनिया पत्ते को मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ, और उधर मेरी सब्ज़ी भी भून रही है। तो उसके बाद ना मैं धनिया पत्ते को डाल दूँगी सब्ज़ी में। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी मेरी अच्छी तरीके से मतलब भुना गई है, इसको भून लिया है मैंने, देखिए। तो इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती और उसको फिर मिला लेंगे, और इसमें डाल देंगे आधे गिलास के करीब पानी। तो पानी आप कम भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा चावल के लिए बना रही हूँ ना, तो इसलिए आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है पानी, ताकि ग्रेवी होगी तो सब्ज़ी चावल में अच्छी लगेगी। और इधर मैं ना हरी मिर्च रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसका डंठल तोड़ कर रख लेती हूँ, उधर मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है। तो हम गृहिणी का तो यही काम है कि जब किचन में आए तो लगता है ये काम भी कर लूँ वो काम भी कर लूँ, तो ऐसे डंठल तोड़ कर रख देने से ना बाद में फिर आसानी होती है, और उसको मतलब अच्छे से रख देने से स्टोर हो जाता है अच्छे तरीके से, तो अपना ख़राब भी नहीं होता है हरी मिर्च तुरंत। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी देखिए रेडी हो गई है। तो इसमें पानी है, अगर रोटी के लिए बनाएंगे तो इसका पानी को सुखा देंगे।